गुरु गोबिंद गोपाल गुर गुर पूरन नारायण गुरदयाल समरथ गुर गुर नानक पतत उदारण है। हक हक आगाह गुर गोबिंद सिंह शाहे शहन शाह गुर गोबिंद सिंह हक राग गंजूर गुर गोबिंद सिंह जुमला फैजे नूर गुर गोबिंद सिंह चवर शतर तखत दे मालक साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभाए मान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत दी फतेह प्रवान करो। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब विखे आप सरबत संगतां अपने समय नूं जीवन नूं सफलिया करन दे लई हाजरीन हो। प्रबंधक जना वल्लों गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी दे आगाज दिवस नूं समर्पित ये महान गुरमत समागम करवाए जा रहे हन। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जिन्ना दी अगम्मी वड्याई जिन्ना दियां अगम्मी बरकतां कोई ऐसा गलुआ मुबारक नहीं बनिया जो गा के अंत पा सके। उन्हां दे गुण गा के जीवन सफला करन दे मनोरथ नाल ही सारे विद्वान जन रागी ढाडी उहदे गीत गाउंदे ने। देखो ये वो पाक जगह है जिथे अकाल पुरख दे सरगुण स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा आगाज होया है। वैसे तो परमात्मा हर जरे दे विच मौजूद है थान थनंतर एक है सोए। गुरबाणी दा फरमान है वह हर जगह है। हुण दुनिया दे उत्ते सच नूं प्रगट करन लई पाप दा खात्मा करन दे लई सतगुरां दे रूप विच प्रगट होया है। सतगुर विच आप रखे उन कर प्रगट आख सुनाया। वो अकाल पुरख ही दुनिया दे उत्ते गुरु पातशाह दे रूप विच प्रगट होए दुनिया दे उत्ते आगाज होया। पर बाणी दा इह वी फरमान है जदों उह सरगुण स्वरूप विच आके किधरे भी टिकदा है ना वह जगह बड़ी महान हुंदी है। जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे गुरसिखी सो थान भालिया लै धूड़ मुख लावा। जिथे भी मुबारक चरण गुरां दे पैण वह जगह महान हो निपटदी है। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਾਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੈ ਭਵ ਲਇਓ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਉਹ ਸੁਦੀ ਸੱਤਵੀਂ 1723 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਉਹ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
जदों पाप वधदा है तो धरती महापुरश मनुखता पुकार कर दी है, कलमल होई मेदनी अरदास करे लिवलाए, सचे सुनिया कन दे धीरक देवै सहज सुभाए। धरती भी उहदे तों कुछ मंगदी है, मनुखता भी उहदे पासों कुछ मंगदी है। जदों कलगीधर पातशाह कहिंदे पापी वधे ने, अरिष्ट वधे ने, मैनू कहिंदे दुनिया ते आउणा पैंदा है। दसम ग्रंथ दे पाक बोल ने दीन दुनिया दे मालक कहिंदे ने जब जब होत अरिष्ट अपारा, तब तब देहे धरत अवतारा। जिमें जिमें पाप वधे ने अरिष्ट दा भाव है विपदा विघन जो तुहाडे अते धर्म दे दरमियान कंडे पैदा कर दवे। जदों पापियां दा बोलबाला हुंदा है कलगीधर पातशाह कहिंदे मैनू फिर आउणा पैंदा है, भाव अकाल पुरख दे सरूप फिर दुनिया ते प्रगट हुंदे ने। इस्लाम जगत दे अंदर बड़े वड्डे विद्वान अरबी फारसी दे अल्ला यार खान लिखदे ने, कहिंदे कलगीधर दे आउण दा इक कारण है। वो फारसी विच लिखदे ने उन्हां महापुरशां दी प्रजोर कलम है, कहिंदे जब जब भी जरूरत हुई बंदों को हम आए हैं, जालिम का किया खात्मा मजलूम बचाए हैं, चिड़ियों से घर चाहा तो फिर बाज तोड़ाए हैं, चिड़ियों से घर चाहा तो फिर बाज तोड़ाए हैं, देखा जिसे हकदार उसे तख्त दिलाए हैं, काम आए फकीरों के तो शाहों के भी आए हैं, काम आए फकीरों के तो शाहों के भी आए हैं, दुश्मनों के भी आए, हवा खाहों के भी आए हैं। जिवें जिवें लोड़ पई, जिवें जिवें पाप वध्या, परमात्मा दे हुक्म विच अवतारा नूं आउणा पिया, मजलूम दी रखिया लई आउणा पिया, महापुरशां दी रखिया लई आउणा पिया, संतां दी रखिया लई आउणा पिया। बड़े अवतार आए, बड़े सतपुरश आए, पाप इन्ना वध गया, गुरु नानक साहिब दे रूप विच अकाल पुरख प्रगट होए। तुसी रोज पढ़दे हो जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, द एम्बॉडीमेंट ऑफ लाइट, द लॉर्ड ही हिमसेल्फ इज कॉल्ड गुरु नानक। वो खुदा गुरु नानक बन के दुनिया ते आया, अकाल पुरख दुनिया ते आए, उन्हें दस जामे बदले। देखो एक महालिक जामा पुराना हो जाता है, फिर वसेबे लई नवा महल उसारना पैंदा है। कार्ज बड़े करने सन अकाल पुरख दी अगमी जोत ने, पहला जामा पुराना हो गया, गुरु नानक साहब वाला ला के गुरु अंगद साहब बन गए। ताते अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो, अंगद कृपा धार अमर सतगुर थिर कियो। जामा पुराना होया ते गुरु अमरदास बने, गुरु रामदास बने, गुरु अर्जन बन गए। हिन बिन कलगीधर पातशाह ने भी ऐसे ही बोल दसम ग्रंथ विच लिखे ने, कहिंदे श्री नानक अंगद कर माना, अमरदास अंगद पहचाना। अगे महाराज कहिंदे ने, कहिंदे ए अगमी जोत जामे बदल दी गई, इन्हां ने कई जामे बदले ने, जुगती नहीं बदली, चोला बदलिया। जोत ओहा जुगत साई सहकाया फेर पलटी है। वेखो एक राजा है, राज महल विच उहदा लिबास होर है, मजलस विच लिबास होर है। जदों आराम फुरमावेगा रात नूं लिबास होर है। राजा नहीं बदलिया, केवल लिबास बदलिया गया, जामे बदले ने, जोत नहीं बदली। कलगीधर महाराज कहिंदे ने कई ना समझ ये गल नहीं समझते, वो कहिंदे हो ही नहीं सकता भी जामे बदले, जोत ओही रवे। देखो मेडिकल का युग है,
मेडिकल साइंस ने इनी तरक्की कर ली है, एक बंदे दा अंग ला के दूजे नू ला दंदे ने। पर दुनिया ने कोई ऐसा हकीम नहीं पैदा किया जेड़ा एक मुजस्मे चो शरीर चो जोत कढ के दूजे च बिठा दवे, एक दे स्वास लैके दूजे च प्रवेश करवा दवे। यह केवल गुरु नानक साहब ही ऐसे हकीम ने जेड़े अपनी जोत अपने चो कढ के गुरु अंगद विच टिका दिंदे ने। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਹੈ ਸਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਾਮਾਤ, ਅਜ਼ਮਤ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਾਇਓ, ਸਾਧਨ ਲਖਾ ਮੂੜ ਨਹਿ ਪਾਇਓ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ भी ये एको ही जोत ने। हुण महाराज कहिंदे जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, बिन समझे सिद्ध हाथ ना आई। जेड़े ते बचन मानदे ने भी गुरु नानक ते गुरु गोबिंद एक ही ने, उन्हां नूं ते सिद्ध तो भाव है निजात हासिल हो गई, मुक्ति हासिल हो गई। जिवें गुरु ग्रंथ साहिब दा फुरमान है, गुरमुख रिद्ध सिद्ध सच संजम सोई। जेड़ा गुरु दे हुकम विच चलन वाला गुरमुख है उन्हूं रिद्धियां सिद्धियां उसनू नजात हासिल हो जाती है। एक परशियन विच ना कलगीधर ने बोल के आसी, हमू गुरु गोबिंद सिंह, हमू नानक अस्त, हमू रतन जौहर, हमू रतन जौहर, हमू माणक अस्त। कहिंदे मैं ही गुरु नानक सी, मैं ही गुरु गोबिंद हाँ। यह मैं कौन है? यह अकाल पुरख है, यह अकाल पुरख की अगमी जोत है। गुरु गोबिंद सिंह उस अकाल पुरख के दसवें जामे ने। की इको जोत है? गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में एक महापुरश बहिंदा सी, भाई नंद लाल, जिहदे वर्गा अरबी फारसी का दूजा विद्वान भारतवर्ष ने पैदा नहीं किया। सत अठ दे करीब पुस्तकां ने अरबी फारसी च। उस महापुरश ने गुरु गोबिंद सिंह दे 52 कवियां चो सिरमौर कवि होण दा माण हासिल कीता है। ते चरणां विच बैठ के एक बचन कहा उसने, सल्तनते दोहमश दस्त पेचे देवाने दौरगीर, वा जेबो आरायशे वा जेबो आरायशे जावेदानी शरीर। पुछो भाई नंद लाल कि गुरु गोबिंद सिंह ते गुरु नानक एक ही ने? सल्तनत दा भाव है पातशाही। कहिंदे अकाल पुरख की सच्ची पातशाही जिहड़ी है ना, उस तख्त नूं सजाउण लई गुरु नानक प्रगट होए, ते गुरु नानक तो बाद गुरु गोबिंद सिंह उसे ही पातशाही विच उन्हां दा आगाज होया। गुरु नानक वाली जोत जिस जामे विच प्रवेश होई वह दसवां जामा गुरु गोबिंद सिंह दा सी। एक बचन कहा कहिंदे सुभा विच अंतर आत्मे कोई फर्क नहीं सी, बाहर मुखी फर्क सी। गुरु नानक साहब फकीरी विच रहे ते गुरु गोबिंद सिंह मीरी विच रहे, ज्यादा शक्ति विच विच रहे। गुरु कहते गुरु नानक तेरी जिहड़ी दसवीं पातशाही है तेरा ही रूप है, ज़ालिमां नूं सजा देण वाली है, शैतानां नूं पकड़ पकड़ के पूरा तोड़ लटाउण वाली है। देखो सुभाग के रहे गुरु नानक साहिब ने पाप करदा तकिया सी बाबर के गुरु गोबिंद सिंह ने औरंगजेब पाप करदा तकिया, भारतवर्ष दा बादशाह कलम लई चुप, जफरनामा लेके उन्हूं भेजिया ते बोल की गए सन शहंशाहे औरंगजेब आलमी के दार आए दौरस्त दूरस्त दी। कहिंदे तूं धर्म दा लिबास पहनिया है औरंगजेब, नाम दा सुंदर ढाया है, तख्त दा शिकार है तू, पर धर्म के लिबास
इस शरीर दे अंदर जिहड़ी अकाल पुरख की जोत है, जिहड़े तैनू श्वास मिले ने, उन्हां नाल तू रब नू याद नहीं कीता। केदार आए दौरस्त दूरस्त दीन, बाहरों धर्म नाल जुड़िया है, अंदरों धर्म नाल तू नहीं जुड़िया। जिहड़ा धर्मी हुंदा वह दयालु हुंदा, जे तेरे अंदर दया हुंदी ते तू मजलूमां नू, तू सनातन मतियां नू कदे मारदा ना, कदे ये जंजूधारियां दा तू लहू ना बहाउंदा। तू जाबर है, तू पापी है। औरंगजेब कहिंदे तुरा मनना दानम के यसदा शनास, तुरा मनना दानम के यसदा शनास, बरामद जे तू कहरा दिल खराश। कहिंदे ऐ औरंगजेब मैं जानदा हां तू रब नू पहचानन वाला नहीं है, इस्लाम दा भेख विखावे मात्र पौना है तू, खलीफा खवाउना है। कहिंदा है भी मैं इस्लाम दा सब तो वद प्रचार कीता, तू प्रेम नाल प्रचार नहीं कीता, तू जालम बन के कृपान दी धार नाल डरा के सनातन मतियां नू मुसलमान बनाया है। ये खुदा दे दर ते परवाह नहीं, तेरे कोलों बड़े दिल दुखाउण वाले कर्म होए ने, तू बड़ा पाप कमाया है। नादानम के ई मर्द रोह बाहा पेच, वगर हर गिजी वगर हर गिजी नहन बेहारद नरेश। कहिंदे आ औरंगजेब तू मर्द नहीं है, तू लूंबड़ है। मर्द होंदा है जेदे ढिड विच जो है उही जुबान ते होवे। हमूं मर्द बायद शवद सुखन वरना शिकमे दे गर दर दहाने दे गर। मर्दो जुबान ते ओ होवे जो ढिड विच है, जो ढिड विच है जुबान ते होवे, ढिड विच कुछ होर ते जुबान ते कुछ होर। ढिड विच तेरे फुरेब ते जुबान ते कुरान दियां कसमां धोखे देने, तू मर्द भी नहीं है, तू लूंबड़ है लूंबड़। हुण भारत दे राजे नूं इन्नी गल कोई फकीर कवे उही कह सकदा जिहड़ा रब दा रूप है, दूजे ने मोहरां बनाउणियां ने। गुरु नानक साहिब कहिंदे बाबर तूं जाबर है, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहिंदे आए औरंगजेब तूं रब दे रस्ते ते चलण वाला नहीं है, बड़े तू पाप कमाए ने। के ई कार नेकस्त दी परवरी, के ई कार नेकस्त दी परवरी, चू यसदा शनासी बजा बरतरी। कहिंदे औरंगजेब सब तो चंगा कर्म हुंदा है धर्म की पालना करनी, तू नहीं कर सकिया, तू बड़ा जुल्म कीता है। रब नूं पछाणेगा, लोक दा बादशाह है परलोक दा भी पातशाह बना दिंदा तैनू। रब नूं नहीं पछाणिया, तेरे कोलों लोक दी पातशाही भी उसने खो लेनी है। अपां एक बोल पढ़दे हुंदे ना, तपो राज ते राजो नरक, तेरे कोलों कर्म चंगा नहीं होया। कई कह दिंदे ने गुरु गोबिंद सिंह बड़े तत्ते सुभा दे सन, गुरु नानक ठंडे सन। देखो कुफर लई झूठ लई गुरु नानक दा घर तत्ता ही रहा है। हुण देखो फर्क कोई नहीं है। धर्म नूं निभाउण दी जाच जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह ने दसम ग्रंथ च दसी है, उही गुरु ग्रंथ साहिब च गुरु नानक ने दसी है। ज्यों तो प्रेम खेलण का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मारग पैर त्रीजै सिर दीजै काण ना कीजै। मेरे नाल गुरु नानक साहिब कहिंदे प्रेम है ते सिर तली ते रखना पै सकदा है, अहंकार रूपी सिर कटना पै सकदा है, प्रतख एक गलुआ कटाउणा पै सकदा है धर्म दे लई। जिहड़े आपा वारन लई तैयार ने उहनां नूं ही मेरे दर ते जगह मिलदी है, मेरी गली चो ही आ सकदे ने। जामा बदलिया, गुरु नानक दसवें जामे विच आए, गुरु गोबिंद सिंह बन गए ते उहनां दे पाक अलफाज़ सन, धन जियो तेह को जग मैं, मुखते हर चित मैं जुद विचारै। बोल उही ने महाराज गुरु गोबिंद सिंह, धन है जिहड़ा सच दी खातर युद्ध करन लई तैयार है, जिहड़ा अंतर आत्मे विकारां नाल युद्ध करदा है ते बाहर मुखी प्रतख दुश्मनां दे नाल युद्ध करदा है।
ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਾਰ ਤੋਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਕੀਰੀ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਲਟਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ। ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਪੀਰੀ ਚੱਲੀ, ਫਕੀਰੀ ਚੱਲੀ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ। ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤਲਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕ ਬੋਲ ਨੇ, ਬਲਾ ਚਾਰਗੀ ਦਰਮਿਆਂ ਆਮਦਮ, ਬਾ ਤਦਬੀਰ ਤੀਰੋ ਤੂਫੰਗ ਆਮਦਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ, ਚਾਅ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮਜਬੂਰਨ ਤਲਵਾਰ ਲੈਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਖਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹਾਕਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਐਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਹੁ ਜੁਗੀ, ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੁਰ ਨਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਸੇਵੰਤ ਤੁਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਹੁ ਜੁਗੀ, ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੋਲ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਅਵਲ ਵਲ ਆਖਿਰ, ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਅਵਲ ਵਲ ਆਖਿਰ ਵਾ ਬਾਸਰੁਲ ਬਾਤਨ ਵਲ ਜ਼ਾਹਰ। ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ? ਆਗਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ 1723 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਅਵਲ ਵਲ ਆਖਿਰ, ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਰੀਕਾਂ ਤਰੂਕਾਂ ਚ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਅਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਵਲ ਆਖਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਸੰਤ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਲ ਲਾਰਡ,
गुरु गोबिंद सिंह ही खुदाया है। भाई नंद लाल कहिंदे तुसीं बातां पाउंदे हो जदों तो शरीर विच आया है, मैं बातां पाउंदा हाँ जदों निर्गुण स्वरूप विच है। मेरे लिए उस अकाल पुरख ते गुरु गोबिंद सिंह विच रंचक मात्र फर्क नहीं। अगे उदाहरण की दित्ती है वा बासिरुल बातन वल जाहर। हुण इहदा अर्थ समझियो, इत्थे लफ्ज वरत्या है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह हर अंदर दे भेत नूं जाहर प्रगट करन वाले ने। देखो ओ मुढ़ कदीमी जो अकाल पुरख है दुनिया दा आद, असी रहिए ना रहिए जो अंत तक रहण वाला अकाल पुरख है ओही गुरु गोबिंद बन के दुनिया ते आया। बाणी ने भी यही कहा है आद ते अंतो है। बाणी कहिंदी है गुर की महिमा क्या कहा, गुर विवेक सत सर ओहो आद जुगादी जुग हो जुग पूरा परमेसर। वो हर जुग विच है, किते नरगुण है किते सरगुण हो जाता है। अगे लफ्ज वरत्या बासिर बारी भेद, बातिन अंदरले भेद। गुरु गोबिंद सिंह दोवें जानदा है। हुण बारी भेद जानने ये तुहानू भी पता है मैनू भी पता है। हुण तुहाडे मन विच की है मेरे मन विच की है उही दस सकदा जिहड़ा साडे अंदर रहिंदा है। विरले महापुरश हुंदे जिन्हां कोले सिद्धि होवे भी अंदर दी बात समझ लैण, बड़े विरले। ओह वी गुरु नानक दे गीत गा के उस अवस्था तक पहुंच सकदे ने। अष्ट सिद्ध नवनिध एह करम प्रापत जिस नाम देहे। जिहड़ा नाम दा अभ्यास करदा ना ही विल बिकम सिद्धा, सिद्ध बन सकता है, करामाती बन सकता है। भाई नंद लाल जी गुरु गोबिंद सिंह नूं अकाल पुरख क्यों समझदे हो, कहिंदे तुहाडे अंदर जोत बन के समाया है ते तुहाडे अंदर जिहड़े बासिर अल्फाज ने ना ते जिहड़े लुके भेद बातन ने उन्हां नूं जाहरा तौर ते गुरु गोबिंद सिंह प्रगट करता है। इहनूं तुसीं रोज पढ़दे हो बिन बोलियां सब किश जानदा गुरु अंदर दी जानदा है। गुर पूरा भेट्यो बड़ भागी अंतर जामी सुगड़ सुजान। हुण अंदर दी किवें जानदा है साडे, इहदा जवाब भी भाई नंद लाल दिंदे ने। कहिंदे रूह दर हर जिसम गुर गोबिंद सिंह, नूर दर हर चशम गुर गोबिंद सिंह। रूह लफ्ज़ है अरबी दा, आपां पंजाबी च वरतदे हैं। रूह दा भाव है जो शरीर दी चेतन सत्ता है आत्मा। कहिंदे पता तुहाडे अंदर दे भेत गुरु गोबिंद सिंह क्यों जानदे ने। और रूह दर हर जिसम, हर जिसम दे अंदर जिहड़ी रूह है ना वो जिहड़ा अकाल पुरख है उही गुरु गोबिंद सिंह है। नूर दर हर चशम गुर गोबिंद सिंह, जिहड़ा नूर लफ्ज़ है ये उस अगमी जोत लई है जो अकाल पुरख दी साडे अंदर समाई है। कहिंदे तुहाडियां अखां च जिहड़ी रोशनी है ना, जिहड़ा नूर है जिहड़ा प्रकाश है जो तुसीं दुनिया देख पा रहे हो ये होर कोई नहीं है, गुरु गोबिंद सिंह आप ही देखदा है। एक हुंदा इतिहास लिखणा महापुरशां दे जाण तों बाद ते ओह सुणाओ ते तुहाडे ते कुतर्क खड़ी कर लैंदे कई भी सुनिया सुनाईयां गल्लां महाराज तो सौ सवा सौ साल बाद लिखिया गल्लां सुनाई जांदे ने। ये भाई नंद लाल ने सुनिया सुनाईया गल्लां नहीं लिखिया, कलगी धर दे सामने बैठ के लिखिया है जो लिखिया है ते कलगी धर दे मरातबे विच उसनूं अकाल पुरख तो लहदा कुछ भी नहीं जापिया। ते भाई नंद लाल नूं ये कहना पै गया भी हर शरीर विचली रूह जिहड़ी है वह गुरु गोबिंद सिंह आप है, भाव उहदे लई परमेश्वर गुरु गोबिंद सिंह ही है कोई दूसरा नहीं है। उहदी ऐसी बुलंद हस्ती है अंदर दी जानदा जे तुहाडे इस पाक नगर पटना साहब की एक साखी सुना दिना है। पंडित शिवदत्त चतुर्भगता बड़ा वड्डा विद्वान जिसनूं पटने शहर दे सारे ही सनातन मत दे लोक मानदे ने, गंगा दे कंढे ठाकुर पूजा करदा है। तारीख गुरु खालसा विच ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखते ने
गंगा किनारे गोविंद राय जी खेडन अगमी कौतक वेखे पंडित जी ने जेदे मूहों सुनदा है ना पंडित शिव दत्त यही बोल सुनदे ने रब दा रूप है इहदे कौतक बड़े अगमी ने ते उहदे अंदर ना एक विचार प्रगट हो गई अंदरे अंदर विचार करता है भी अगर गुरु गोबिंद राय वाकया ही खुदा दे स्वरूप ने परमात्मा दे रूप ने मेरा मुर्शद श्री रामचंद्र है मैनू अगर रामचंद्र जी दे रूप विच दिदारे देन ते मन हगा भी ये परमेश्वर दा ही स्वरूप ने ये जिसदा चाहे रूप धार लैण मन दी इच्छा दी पूर्ति करनी ऐसी बरकत है इन्हां दे कोल ते गंगा किनारे खेड़दिआं बापू गुरु गोबिंद राय छोटी जी अवस्था बाल अवस्था दे विच ना ठाकर पूजा कर रहे शिवदत्त दे सामने होए ने उसने अखां खोलियां ने ते सामने की वेखदा है रामचंद्र जी दर्शन दे रहे ने चरण लए पकड़ वैराग दे नाल पाक चरण धो दिते ते महाराज ने माड़ा जिहा हलूणिया है ते फिर सामने की नजरी आउंदा है गोविंद राय जी ने ठाकरां दी पूजा छड के उस दिन तो गोविंद राय नूं अपना इष्ट देव मन लिया शिवदत्त ने ते गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह नूं पुछो भी की गुरु नानक दे घर विच इन्नी असमत है कि सब अवतार देवी देवते महापुरश इन्हां दे विच्चों सिरमौर गुरु नानक है गुरु गोबिंद है कि सारिआं विच परमेश्वर दी जोत है कई बड़ा पूछ नूं वट देणगे ओ जी इह क्यों कहता तुसीं भी रामचंद्र विच भी रब दी जोत गुरु नानक विच भी रब दी जोत गुरु गोबिंद विच भी रब दी जोत जीसस क्राइस्ट विच भी रब दी जोत ते मुहम्मद विच भी रब दी जोत ते मैं इन्हां नूं पुछदा हुन्ना भी चलो मन लिया भी साडे गुरुआं विच रब दी जोत ते दूजे च शैतानां दी जोत होवेगी सब मैं जोत जोत है सोए तिसदे चानण सब मैं चानण होए उहदी हर जरे विच जोत है हां ताकतां दा फर्क है अजमतां दा फर्क है बाणी विच ते इह वी आउंदा है सतजुग तैं माण्यो छल्यो बलबावन पायो त्रेतै तैं माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतार्थ कियो उगर सैन को राज अभय भगतन जन दियो कहिंदे जदों पाप थोड़ा सी ऐ अकाल पुरख तेरा भेजिया बावन अवतार दुनिया ते आया जो तेरा ही अंश है पाप वध गया 14 कला लैके रामचंद्र जी दुनिया ते आए तेरी जोत है उन्हां विच तेरा ही अंश ने पाप होर वध गया 16 कला लैके कृष्ण जी महाराज दुनिया ते आए जो तेरा ही अंश ने हुण कलयुग दे भयंकर समय विच गिणियां चुणियां ताकतां नाल गल नहीं सी चलनी पाप गया सी वध ते फिर होया की है द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतार्थ कियो उगर सैन को राज अभय भगत जन दियो कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अबचल अटल आद पुरख फुरमायो कलयुग विच पाप इन्ना वध गया हुण गिणियां चुणियां ताकतां नाल गल नहीं सी चलनी गुरु नानक गुरु अंगद गुरु अमर खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह अकाल पुरख दे सरगुण स्वरूप होके जितनी भी अजमत है अकाल पुरख दी ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ ਤਵੈਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੈ ਗਇਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦਾਇਆ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਦਿਦਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ हर जरे विच परमात्मा दी जोत है पर जितने भी महापुरश ने सत्कार उन्हां दा आपां करदे हां चाहे किसी भी धर्म दे ने
पर गुरु नानक गुरु गोबिंद संपूर्ण कला लैके दुनिया ते आए ता बाणी ने कहा ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी जिवें बाणी दे बोलने सतगुर जेवड अवर ना कोए गुरपार ब्रह्म परमेसर सोए देर इज नन एज ग्रेट एज गुरु गोबिंद सिंह रूहे जमीन ते दूजा कोई पैदा नहीं होया जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह दे तुल होवे। भाई नंद लाल ने एक बचन किया कहिंदे दावरे आफाक गुरु गोबिंद सिंह दर्दो आलम ताक गुरु गोबिंद सिंह। आफाक पता की हुंदा, देखो एक लफ्ज है उफू। तुसी एक बने इधर वेखो, खुली जगह जाके एक बने वेखो, जिथे तुहानू जापे ना असमान ते जमीन एक हो रहे ने। कई बार जापदा हुंदा ना खाली जगह ते, उनू उफू कहिंदे ने। जदों चारों तरफ निगाह दौड़ाओ जिथे भी तुहानू लगे भी ए जमीन ते असमान एक हो रहे ने, उनू आफाक कहिंदे ने। दावरे आफाक गुरु गोबिंद सिंह। भाई नंद लाल कहिंदे दावरे भाव खुदा बादशाह, जमीनो असमान दा अगर कोई है ते गुरु गोबिंद सिंह है। दर्दो आलम ताक गुरु गोबिंद सिंह। दो आलम, अकला तुहाडा सिखां दा ही पातशाह नहीं है गुरु गोबिंद सिंह, इस लोक दा पातशाह है। जिस दिन शरीर ना रहा दरगाह विच साडी पेशी होई, जेड़ा उस सचखंड दे सिंघासन ते बैंदा है दर्दो आलम ताक गुरु गोबिंद सिंह, ओही गुरु गोबिंद सिंह है जेड़ा दुनिया ते सरगुण सी सचखंड विच निर्गुण स्वरूप होके बैठा होया है। दोहां आलमां दा मालक है जिहदी याद विच आपां पटने दी पाक धरती ते इकत्र होए हैं। इहदे नालों वड्डा कोई नहीं है और इहदियां खुशियां लैण लई ही आपां इस रूहे जमीन ते आए हाँ। गुरु महाराज जितनियां भी संगतां आईयां ने सभना दी हाजरी प्रवान करन, ये बड़ा महान उपराला प्रबंधक जना ने कीता है। सिख जगत दे अंदर जो विद्वान ने रागी ने ढाडी ने सभना नू सदा दे करके आप संगतां दे दर्शन करवा रहे ने। प्रबंधक जना दे विच्चों जो मुख सेवादार ने सरदार अवतार सिंह जी हित, आप संगतां रोज इन्हां नू सिख जगत की फुलवाड़ी नूं प्रफुल्लित करन लई कर रहे उपरालियां तों देखदे ही रहिंदे हो। उह वी इत्थे आप संगत विच बैठे होए ने। समूह प्रबंधक जना दा, गुरु के वजीरां दा, सैकटरी साहब दा धन्नवाद, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह आप संगत दा धन्नवाद है जी। खंडे दी पौल छको, गुरु वाले बनो। बाकी विचारां खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह बाबत कल दे दीवाना विच करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।